एक बार फिर से हम बात करते हैं जहांगीरपुरी की, जहां पर दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने एमएचओ को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। जहांगीरपुरी दंगे पर दिल्ली पुलिस की जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसकी भी डिटेल दिए गए हैं। तो 16 तारीख को यह घटना हुई थी जिस वक्त जुलूस के दौरान पथराव हुआ था, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, गोली चली थी और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय से ओर से रिपोर्ट मांगी गई थी और दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्या घटना थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है क्या उसमें वजह बताई गई है कि आखिरकार क्यों और कैसे ये घटना घटी? जी देखिए, ये पूरी एक तरह से फैक्चुअल रिपोर्ट है जहांगीरपुरी घटना को लेकर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एमएचए को सौंपी गई है। और चूंकि लगातार जिस दिन से घटना हुई लगातार एमएचए केस की मॉनिटरिंग कर रहा था और गृह मंत्री अमित शाह डायरेक्ट टच में थे दिल्ली पुलिस के सीपी और दीपेंद्र पाठक से, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर एक सीक्वेंस वाइज एक फैक्चुअल रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें पूरा जो सीक्वेंस है कि कब कब क्या घटना हुई, कैसे शोभा यात्रा जो तीसरी निकली उसके बाद कैसे बहस हुई और फिर उसके बाद पत्थर चले, गोली चली, बोतलों से हमला किया गया और दिल्ली पुलिस ने उसके बाद से क्या क्या कार्रवाई की है, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें कितने बालिग हैं, कितने नाबालिग हैं और कितने वेपन्स रिकवर किए गए हैं और आगे दिल्ली पुलिस किसको किसको इस मामले में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, सारी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है, सीक्वेंस वाइज रिपोर्ट है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एमएचए को सौंपी गई है। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो है सीधा गृह मंत्रालय के अंडर में आता है यानी कि देश के गृह मंत्री के अंडर में आता है और जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में कैसे हो गया, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी लगातार जिम्मेदार ठहरा रही है, इसको लेकर गृह मंत्री की ओर से किस तरह के निर्देश और किस तरह की बात सामने आ रही है? जी देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसी समय गृह मंत्री अमित शाह का सीधा फोन गया दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास और साथ ही साथ दीपेंद्र पाठक जो कि उस वक्त सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे और उनसे कहा था कि इस मामले में बिल्कुल निष्पक्षता से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है, ये निर्देश है गृह मंत्री का। और उसके बाद हम आपको बता दें कि लगातार दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और लगातार एक एक जो भी उन्होंने कदम उठाया उसको लेकर ब्रीफिंग देती दिया गया एमएचए को और आज जो फैक्चुअल रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें उन सारी कार्रवाइयों का जिक्र है। और ये भी हमको जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें एक साजिश का भी अंदेशा जताया गया है कि जो हो सकता है कि जहांगीरपुरी की जो घटना हो ये अचानक नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे कोई साजिश, इसके पीछे षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी अचानक ये होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से तैयारी कर रखी थी लोगों ने उसे तो साफ है कि पहले से ही इसको करने की प्लानिंग बनी थी, लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस ने संयम बरता, वहां पर से सबसे बड़ी बात रही किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है, इसमें 8 पुलिस वाले जरूर घायल हो गए, उन्होंने जरूर पत्थर खाए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।